पर मैंने सीने से जैसे वो खींच के चले जाए। हटो मेरे रास्ते से। सुनो, आखिरी बार कह रहा हूँ तुम्हें, चलो मेरे साथ। घर लेने आए हो तो मेरे साथ ही जाओ। हाँ छोड़ो मेरा। जोया, जोया, वो चले भैया। आगे जाऊं आते हुए लम्हों से कैसे रोके कोई चलती हुई सांसों को जैसे। आगे जाऊं आते हुए लम्हों से कैसे रोके कोई चलती हुई सांसों को जैसे। रब्बा कोई मेरा। चलो मेरे साथ, घर लेने आए हो तो मेरे साथ ही जाओ। हाँ छोड़ो मेरा। कैसी है ये जीने की सजा। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों तंग कर रहे हो मुझे? खुदा की कसम जानबूझकर नहीं कर रहा, सिर्फ बात करनी है। ये रेस्टोरेंट है, बैठ के बात कर लेते हैं हम। तुम कौन सा नया खेल खेलने का सोच रहे हो? तुम्हारा क्या इरादा है? मैं कोई खेल नहीं खेल रहा, बाकी बस बात करनी है तुमसे। अगर यहां बैठ के बात नहीं करनी तो घर जाके कर लेते हैं। लेकिन एक बात सुन लो, आज के बाद तुम्हें अकेले आने जाने नहीं दूंगा। जहाँ भी जाओगी ना मेरे साथ ही जाओगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे साथ क्यों आने लगी? हम बैठ के बात कर लें प्लीज, बात ऐसी है नहीं कि मैं यहाँ कर लूँ। नहीं, तुम्हें जो बात करनी है यहीं पे अभी इसी वक्त करो। तो एक दिन मरवा ही दोगी मुझे ना, डरते डरते आई हूँ मैं, किसी को बताया भी नहीं है घर में। तो क्या बिल्कुल ही पाबंदी है घर से बाहर निकलने पर? और नहीं तो क्या, उस वाकये के बाद से तो जैसे कैद की जिंदगी जी रही हूँ, सख्त पैरे में। बीस मिनट में आने का कह रहे हैं। 20 मिनट का कह रहे हैं, आएगा देर से ही। आधा घंटा फिर बैठने का कहेगा, अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहूंगी मैं? तो बोल देना ना कि इंस्टीट्यूट गई थी, किसी सर्टिफिकेट या सामान वगैरह उठाने का बहाना बना देना। वैसे एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ ही चली जाती हूँ, किसी को शक भी नहीं होगा। ओ बहन, पागल हो गई हो क्या? गली में भी किसी के घर जाने पर पाबंदी है, जानती नहीं हो क्या जुनेद भाई को? तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने अभी तक मुंह बंद कर रखा है, अगर खुल गया ना तो गैरत के नाम पे कत्ल हो जाना है मेरा। वैसे हैं हम दोनों इसी लाइक, क्या ख्याल है? हाँ कोई नहीं, तुम होगी इस काबिल, मैं तो नहीं हूँ। तो मैं तो जा रही हूँ। एक्सक्यूज मी, बिल प्लीज। अरे यार क्या हो गया है? मुझे नहीं खाना, मैं नहीं इंतजार कर सकती हूँ। जो कुछ भी तुम्हें बताया बिल्कुल सच बताया, एक लफ्ज भी झूठ का नहीं है। तुमने बहुत अच्छी कहानी बनाई है जुनेद,
लेकिन तुम्हारी इस कहानी पे मैं भरोसा नहीं करने वाली और ना ही मैं इंप्रेस होने वाली हूँ तुम्हारी इन बातों से। क्या जरूरत है तुम्हें इंप्रेस करने की? मुझे क्या पता, तुम जैसे घटिया इंसान से किसी भी चीज की तवक्को मैं कर सकती हूँ। क्या पता तुम्हें इस बात से डर लगता हो कि मैं तुम्हारे करतूत तुम्हारे बाप और तुम्हारी बहन के सामने ले आऊंगी। तुम जैसे घटिया और बुजदिल इंसान से मैं किसी भी चीज की तवक्को कर सकती हूँ। जोया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जो कुछ भी तुम्हें बताया बिल्कुल सच बताया। हो सकता है ये बात सच हो, लेकिन मुझे फिर भी तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तुम्हारे खैर में होने के बावजूद मेरा खुदा मेरी मदद कर सकता है तो वो दोबारा भी मेरी मदद करेगा। तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जोया कॉलेज गई है। कोई कॉलेज के उसके नोट्स रह गए थे, कल भी गई थी, कल मिले नहीं, आज दोबारा जाना पड़ा। अरे क्या, कब से गई हुई है? क्या बात है बेटा, सब खैरियत है ना? अरे जी जी, सब खैरियत है। सॉरी, वो दरअसल जो भी देर हो रही थी और मैंने उसी तरफ जाना है, मैं सोचा था कि वापसी पे उसको लेता। नहीं, मुझे सही से बताओ। अरे ठीक बता रहा हूँ, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बस वापसी पे उसको लेता हुआ आता हूँ। आप सॉरी, आप करें नाश्ता। हे अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। तुम इस बात की तसल्ली कर लो, मैं तुम्हारे घर वालों को कभी नहीं बताऊंगी कि तुम कितने घटिया और किस कदर नफरत के काबिल इंसान हो। और इसलिए नहीं कि मैं तुमसे डरती हूँ या फिर मैं तुमसे बदला नहीं लेना चाहती, मैं सिर्फ अपनी माँ के लिए कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि वो बहुत खुश है और उसका नतीजा सिर्फ यही होगा कि उनको या तो सलीम अंकल या मुझ में किसी एक को चुनना होगा, और वो एक सेकंड लगाए बगैर मुझे चुनेंगे। और मैं कभी भी अपनी माँ से उनकी खुशियां नहीं छीनना चाहती। तो जाओ जुनेद सलीम, मैंने तुम्हें अपनी माँ के सदके माफ किया और दोबारा ये मासूम बनने की घटिया कोशिश मेरे सामने मत करना। जीता हूं ना हारा किस्मत का। अब आप ही बताइए, इन सब बातों में मेरी कहां गलती है? कोई भी ऐसी लड़की को अपनी बहू बनाना क्यों चाहेगा जो 3-4 दिन अपने घर से बाहर रही हो? 3-4 दिन उस लड़की ने किस तरह किस हाल में गुजारे इसकी कोई अहमियत नहीं। यह भी तो देखा जाएगा कि इन सब में उसकी मर्जी थी या नहीं। हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। और वो जो उसकी मां ने इस उम्र में शादी कर ली है, वो कह दो उसमें भी उसकी मर्जी शामिल नहीं थी। कह दो,
कदीर साहब मैं आपको बताती हूँ, ये दोनों माँ बेटियां ना एक नंबर की आवारा हैं। इनकी आवारगियों के किस्से ना पूरे मोहल्ले में मशहूर हैं। इसीलिए तो मोहल्ले वालों ने इन दोनों को इस मोहल्ले से निकाला है। अब जब मोहल्ले वालों ने ही निकाल दिया है, तो मैं उन लोगों से रिश्ता बांध के वापस ले आऊं, अच्छा लगेगा ये सब कुछ। मोहल्ले वाले हैं, बरादरी वाले हैं, 100-100 सवाल जवाब करेंगे, किस किस को मैं जवाब देती फिरूंगी? और फिर मैं क्यों नाराजगी लूं सबकी? जब मेरा ही दिल नहीं मानता तो बात यहां खत्म हो जाती है। और मेरे दिल की कौन सुनेगा? मैं आपको बता चुका हूं, शादी करूंगा तो सिर्फ जोया से करूंगा। और किस तरह से बताया ये भी बताओ ना अपने बाप को, बताओ। मैं बताती हूँ आपको कदीर साहब, मैं बताती हूँ। उस दिन जब भाईजान आए थे ना सामिया के साथ, उनके सामने इतने सारी बकवास की थी, मेरे भाई को जलील करके रख दिया था इसने, सिर्फ जूता उतार के सर पर मारने की कसर रह गई थी। आज तक मैं अपने भाई से मुंह छुपाती फिर रही हूँ। आप क्यों मुंह सी के बैठे हुए? अच्छा खासा आराम कर तो लिया है आपने, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको सफर की थकन है जो आपसे बात नहीं हो रही? अकेले ही दीवारों से टक्कर मारनी थी मैंने अगर, तो फिर आपके वापस आने की क्या जरूरत थी? कुछ समझाएं, बोले कुछ इसे, जूता उतार के मारे ताकि इसके सर से ना इसका भूत उतरे। मैं खामोश तो इसलिए हूं कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इल्जाम तराशियों से या बुरा भला कहने से मामलात सुधरेंगे नहीं बल्कि और बिगड़ जाएंगे। ये तो बहुत प्यार से और ठंडे दिल और दिमाग से बैठ के बात करने वाली बात है। करते हैं बात, तुम जाओ जहां जा रहे थे, फिर बात करते हैं। तुम कहां जा रहे हो? एक सेकंड, बाद में कब बात करेंगे आप? जब वो अपने गंदे किरदार के साथ हमारे घर में घुसकर आ जाएगी। कदीर साहब मेरे 3-3 बेटे नहीं है जो मैं इसको शादी करके अलग कर दूं। मेरा तो सिर्फ एक ही बेटा है, वो भी पता नहीं किसके जादू और तावीज के असर में है। लेकिन आप मुझे ये बात बताएं, आप पे किसने जादू करवा दिया जो आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही? कहा ना शाम को बात करेंगे। क्या होगा? इस तरह क्यों गया जुनैद जोया के पीछे? मेरी बेटी किसी खतरे में तो नहीं? नहीं अल्लाह मियां, हाँ और कुछ नहीं सह पाऊंगी मैं। मेरी बच्ची की हिफाजत करना या अल्लाह, मेरी बच्ची के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। कह रहा था कि तुमने टोपी करवा दी, तुमसे कहा भी था कि कहीं और चलकर बैठ जाते हैं। तुम्हें नहीं पता, जुनैद भाई देख लेते ना तो मुझे पता था क्या होना था मेरे साथ। अच्छा दफा करो, इतनी इतनी बात पर नाराज होने वाले लड़के तो वैसे भी जहर लगते हैं मुझे। हाँ हाँ, तो तुम्हें कमी कहा है लड़कों की? हाँ जी ये तो है, और मेरे पास कोई जल्लाद टाइप का भाई भी तो नहीं है। अच्छा एक बात तो बताओ, जुनैद भाई के साथ जो लड़की थी क्या तुम जानती हो उसको? आहिस्ता बोलो। हाँ ना, वो वही थी जोया। उसकी माँ ने मेरे बाप को फंसाकर शादी कर ली, और अब वो मेरे भाई को फंसाने में लगी हुई है। क्या तुमने ठीक से देखा था, वही थी क्या? उस चुड़ैल को पहचानने में कैसे गलती कर सकती हूँ मैं? एक बार घर आ जाए वापस,
फिर देखना क्या करती हूँ मैं इसके साथ। पागल हो क्या? क्या बताओगी कि तुम उसी रेस्टोरेंट में गई थी जहां वो तुम्हारे भाई के साथ डेटे मार रही थी? जान प्यारी नहीं है क्या तुम्हें? सही कह रही हो तुम, इस तरह तो उल्टा मैं खुद ही फंस जाऊंगी। वही तो, तुम्हारी यही जल्दबाजियां तो मरवाती हैं तुम्हें। खामोश हो जाओ बिल्कुल, अल्लाह ने चाहा तो इस तरह के मौके तुम्हें और मिलेंगे, फिर जैसे मर्जी अपनी भड़ास निकाल लेना, लेकिन प्लीज अभी खामोश हो जाओ। अच्छा चलो, मुझे चाय नहीं पिलाओगी क्या? सॉरी मैं तो भूल ही गई थी, और किचन में चलते हैं, वहीं पे तुम्हें पिलाऊंगी चाय। जोया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम, कहाँ थी तुम, क्या हुआ है, सब ठीक है ना? क्या हुआ है अम्मी, कॉलेज गई थी ना, आपको बताया तो सर वहीं से आ रही हूँ। हाँ नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, वो तुम्हें थोड़ी देर हो गई ना, तो इसलिए मैंने सोचा पूछ लूँ, सब ठीक है ना? अम्मी अब कुछ गलत नहीं होगा कभी भी, आप क्यों परेशान हो रही है, किसी ने आपसे कुछ कहा है? अरे नहीं नहीं, ऐसे तुम मुँह हाथ धो लो, मैं खाना लगा रही। अम्मी आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? कहा ना कुछ नहीं, आओ खाना खाओ। अरे भाई हमारी बला से शादी करता है, तलाक देता है, जो मर्जी करता है करता फिरे। मुझे तो ना सिर्फ अपनी बहू से मतलब, हाँ मैं बोल आई हूँ, साफ साफ बोल आई हूँ कि भाई मैं अपनी अमानत को ना ज्यादा दिन उस घर में छोड़ नहीं सकती, वहां पर जहाँ पर वो आवारा औरतें घुसा ली तुम्हारे खालू ने। तो फिर क्या कहा सलीम खालू ने, वो राजी हैं? अरे ऐसे कैसे राजी नहीं होगा, तुम्हारी खाला जान ने मरते वक्त खुद मंगनी की थी और मुझसे वादा लिया था कि मैं नायला को अपनी बहू बनाकर ही अब इस घर में लाऊंगी। तो फिर तुम आ रहे हो ना इतवार को? भाई मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं उसको रुखसत करके अब इस घर में ला रही। अरे अम्मा कहा ना आ रहा हूँ मैं इतवार को, आप ये बताएं नायला कैसी है, वो तो बात ही नहीं करती मुझसे फोन पे। बेटा शर्म करो, माँ के सामने ना ऐसी बात नहीं करती, और अगर वो तुमसे बात नहीं करती है ना तो अच्छा करती है, शर्म और लिहाज वाली बच्ची है, आजकल की लड़कियों की तरह ना चलता पुर्जा नहीं है। लड़कियों में दीद लिहाज और शर्म और हया होनी चाहिए, और नायला की तरबियत उसकी माँ के मरने के बाद मैंने खुद की है, तो फिर वो क्यों करेगी तुमसे फोन पर बैठ कर रातों को मीठी मीठी बातें। एक दफा शादी करके उसको घर ले आओ तो फिर जी भर के सारी बातें करते रहना। हाँ अरे अम्मा हाल अहवाल पूछने के लिए मैं उल्टी उल्टी सीधी बातें करूंगा मैं, आप क्या जानती तो हैं आप मुझे अच्छी तरह से। हाँ हाँ बेटा पता है मुझे, और बेटा तुम भी जो है ना दुबई से बैठ के इतनी लंबी लंबी कॉले मत किया करो, महंगी पड़ती है, थोड़ा ख्याल रखो ठीक है, बाद में बात करेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जुनेद, जुनेद जी, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। आइए। हाँ क्या बात करनी थी? सुबह तुम बहुत घबराए हुए थे जब जोया के बारे में पूछ रहे थे, तो मुझे ख्याल आया तुमसे पूछूं, क्या बात है, सब खैरियत है ना, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस आजकल हालात ठीक नहीं है ना, तो वैसे ही उस वजह से फिक्र हो रही थी। फिर ऊपर से अब्बू ने भी कहा था कि जोया घर से अकेली बाहर ना जाए, मुझे लगा अगर उनको पता चल जाएगा नाराज होंगे, इसलिए मैं लेने चला गया। तुम गए थे लेने? लेकिन वो तो अकेली आई, तुम्हारे साथ तो नहीं आई? वो मैं पहुंचा तो थोड़ा लेट हो गया, जब तक मैं पहुंचा वो कॉलेज से निकल चुकी थी, इसलिए मैं उसके साथ नहीं आया। अच्छा अच्छा ऐसे ही हुआ होगा। अच्छा बेटा मुझे तुमसे कहना था, तुम अपने अब्बू से बात कर सकते हो कि वो जोया को कॉलेज जाने की इजाजत दे दें, मैंने उसकी पढ़ाई पर बड़ी मेहनत की है,
उसे कॉलेज जाने से ना रोकें। जॉब के लिए मैं बात कर लूंगी, वो मेरी बात को समझ भी जाएगी, लेकिन कॉलेज तो क्या? जोया जॉब भी करेगी? हाँ वो जिद कर रही है, लेकिन कोई बात नहीं, उसको छोड़ो। अपने अब्बू से बात करो कि वो उसे कॉलेज जाने की इजाजत दे दें। अम्मी किसी को भी किसी से मेरे लिए बात करने की जरूरत नहीं है। मैं कॉलेज भी जाऊंगी और मैं जॉब जरूर करूंगी। किसी और की ख्वाहिश या मर्जी की खातिर मैं खुद को कैद नहीं कर सकती। और जहां तक सलीम अंकल की इजाजत लेने की बात है तो मैं खुद जाके उनसे इजाजत ले लूंगी। नहीं नहीं प्लीज प्लीज उनसे बात ना करना। मैं कर लूंगी उनसे बात, कोई बात नहीं। वो वैसे भी तुम्हारी फिक्र करते हैं ना, तो तुम्हारी हिफाजत की खातिर ये बात कर रहे थे। अगर उनको मेरी फिक्र है और उनको मेरी हिफाजत का इतना ख्याल है तो जाके उस इंसान को पकड़े जिसने मेरे साथ गलत किया है, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी एक सवाल बन के रह चुकी है। क्यों अम्मी, ये ज्यादती नहीं है क्या? वो मुजरिम दंदनाता फिरे और मैं उसके खौफ से डर के छुप के इस घर में बैठ जाऊं? किस किस्म की बातें कर रही हो जोया? क्यों, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? बताएं अम्मी मैंने कुछ गलत कहा है? जब मेरा कसूर ही नहीं है तो उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? मुझे ये सजा कबूल नहीं है। मैं कॉलेज भी जाऊंगी, मैं जॉब भी करूंगी। जिंदगी के दरवाजे में खुद पे बंद करने की इजाजत किसी को नहीं दे सकती। इस तरह मुझसे बात नहीं करती, ये पता नहीं इसे क्या हुआ है। ठीक ठीक ही तो कह रही हो। इस पर जिंदगी के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। खुदा हाफिज़। आपने बताया नहीं कि भाईजान की तरफ कब जाना है? जब तुम कहो, आज चले जाते हैं, कल चले जाएंगे। वैसे उसूलन उन्हें आना चाहिए था ना, 4 साल बाद आया हूं मैं। आप भी खूब बात करते हैं। आपके बेटे ने उन्हें हजारों बातें सुना के जलील करके घर से निकाल दिया। मेरे भाई को आपने इतना बेखैर समझा हुआ है कि वो फिर भी चले आए? मुझे तो लगा था कि आप ये सारी बातें सुन के फौरन उन्हें कॉल करेंगे, उनसे माजरत करेंगे, माफी मांगेंगे अपने बेटे की बदतमीजी की। ये सारी शिकायत जो है ये अरसल से है ना उन्हें। इस सारे मामले में मेरा क्या है? चलो कोई बात नहीं, अगर वो नाराज है तो हम चले जाएंगे, जाके बात करेंगे, मामला हल करवा देंगे। कब चलना? नहीं अब ये मसला तो तब हल होगा जब आप अरसल के नाम की अंगूठी सामिया की उंगली में डालेंगे। बात दरअसल ये है सीमा बेगम के, जहां तक उसकी शादी का मामला है ये उसका अपना अख्तियार। एक बाप होने के नाते मैं उसे समझाऊंगा, बताऊंगा, उसकी हर तरह की मदद करूंगा, लेकिन अपनी मर्जी नहीं थोप सकता। सॉरी। पता था मुझे, पता था कि आप यही करेंगे। मैं ही बेवकूफ थी जो इस उम्मीद में बैठी थी कि शौहर साहब आएंगे तो मेरे मसाइल हल करेंगे, लेकिन आपको तो मेरे मसले मसले लगते ही नहीं है, और खास तौर पे जब बात मेरे भाई की हो। मैं भी देखती ना, अगर आपके किसी भाई या बहन की बात होती तो आप क्या करते? सिवाय अफसोस के तो और कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि
कुछ भी होता मेरा नुकता दर्द तो यही होता। अब कहाँ चले आप, चाय तो पी ले। नहीं आज के लिए इतनी काफी है, मौलवी साहब से मिलने जा रहा हूँ। मौलवी साहब से? अरे एक ही तो दोस्त है मेरा, ना मिलूं उससे? मिले मिले, जरा जल्दी वापस आ जाइएगा, आपको बात करनी है अर्सल से। चल मौलवी साहब से मिलने गए हैं, अब खूब कान भरेंगे वो। या अल्लाह मैं क्या करूं। बड़ी डेटिंग शेटिंग चल रही है भाई आजकल तो। क्या मतलब है? सादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है, तुम जानती हो मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ। क्या कर रही थी जुनेद भाई के साथ? अभी बताती, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ नायला, तुम वहां क्या कर रही थी और तुम किसके साथ थी? बकवास कर रही हो तुम, मेरी दोस्त ने देखा है तुम्हें जुनेद भाई के साथ, उसी ने मुझे आके बताया, मैं तो घर पर ही थी। अच्छा, लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है तुम्हारी किसी दोस्त ने मुझे तो नहीं देखा, तो तुम्हारी दोस्त को कैसे पता चला कि जुनेद के साथ जो लड़की है वो मैं ही हूं? असल बात ये है कि मैंने तुम्हें वहां देखा था, अपने भाई से छुप के भाग रही थी ना। मैं तुम्हारी किसी बात की ना जवाब दे नहीं हूँ, मेरी दोस्त ने तुम्हें देखा था वहां पे, तो मुझे पता है वो तुम ही होगी। तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें जवाब दे? मैं अपने किसी भी एक्शन के लिए कम से कम तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ, तो आइंदा सोच समझ के मुझसे बात करना। हाँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का, मैं सिर्फ इतना बताने आई थी कि मेरे भाई से दूर रहा करो और अपने किसी भी जाल में फंसाने की कोशिश भी मत करना, ना बहुत पछताना पड़ेगा। तुम्हारे भाई जैसे मर्दों की तरफ देखना मेरे शान के खिलाफ है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कोई शक या शुबा है तो अपने भाई से जाके पूछो, मुझसे यहाँ खड़ो के बहस मत करो। खबरदार, जो एक लफ्ज और कहा मेरे भाई के खिलाफ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा वरना। अच्छा, तुम्हारे भाई के बारे में मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, तुम आई थी ना मुझसे बात करने के लिए, लेकिन अगर तुम्हें अपने भाई से बात नहीं करनी तो मैं उससे बात कर लूंगी। मैं उसको बता दूंगी कि नायला को बहुत बुरा लगा कि तुम और मैं घर से बाहर साथ थे। खबरदार जी, इस किस्म की कोई भी बात की जुनेद भाई के सामने, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। वैसे इस घर में रह के इस घर के मर्दों को जितना मैं जान चुकी हूँ ना, मुझे लगता है तुम इस काबिल नहीं रहोगे कि मुझसे बात भी कर सको। मुंह तोड़ना बहुत दूर की बात, ऐसा ही है ना? देख लूंगी तुम्हें। वैसे तुमने देख के भी क्या कर लिया? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जोया पर जिंदगी के दरवाजे बंद कर दिए जाए। पढ़ना लिखना या अपनी मर्जी, जरूरत या ख्वाहिश के मुताबिक जॉब करना हर किसी का हक है। वैसे आप क्यों मना कर रहे हैं उसे, वजह क्या है? तुमसे किसने कहा मुझसे ये बात करने को? ये मेरी बात का जवाब तो नहीं। देखो जुनेद, तुम्हें इस मामले में पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये मेरा और जोया का मामला है, उसके लिए जो बात सही होगी उसकी इजाजत मैं दूंगा और जो बात गलत होगी उसकी इजाजत नहीं दूंगा, और उसे मेरी बात मानना होगी। लेकिन ये गलत है, तालीम और मुलाजमत जैसी चीजों के लिए ये काफी नहीं है कि जो आपको बेहतर नहीं लग रहा वो ना करे। आपको जोया को इजाजत देनी होगी। तुम्हें क्या लगता है जोया के साथ जो कुछ हुआ उसमें उसकी गलती नहीं थी? कुछ ना कुछ तो उसकी भी गड़बड़ होगी, वरना इस तरह बैठे बैठाए कैसे हो सकता है किसी के साथ? ये सब कुछ आपको उस वक्त तो याद नहीं आया था जब आपकी शादी हो रही थी, जानबूझ के ये बातें छुपा रहे थे ताकि जोया की अम्मी से आपकी शादी हो जाए। अब अगर आपका मकसद पूरा हो गया है, इसका मतलब यह नहीं
कि आप जोया को उसकी जिंदगी का मकसद पूरा ना करने दें। आप जोया को इजाजत दे दें क्योंकि जॉब तो वो करेगी। आप इजाजत दें या ना दें? कब से जानते हो जोया को? हम जानते तो हैं, वो बचपन से हम एक दूसरे को जानते हैं। बचपन का जानना कुछ और होता है, मैं कुछ और पूछ रहा हूं। मैं समझा नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें उस पर कितना इत्मीनान है? जितना होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि तुम्हें उस पर इतना एतमाद है, यकीन है कि तुम्हें लगता है कि तुम उसके साथ शादी करके खुश रह सकोगे? जी वो। और जो तुम्हारी माँ बातें कर रही है जोया के बारे में, उसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? अबू झूठ है ये सब, इधर उधर के लोगों की उड़ाई हुई बातें हैं बस। सोया ऐसी लड़की है ही नहीं, मैं जानता हूँ उसको बहुत अच्छे से, और ना ही शीरी खाला में कोई बुराई है। मौलवी साहब भी कुछ इसी किस्म की बातें कर रहे। तुम पे तो मैं कभी यकीन ना करता, तो मौलवी साहब ने मुझे बताया तो मुझे कुछ तसल्ली हुई है कि खुदा ना खास्ता तुम गलत डगर पे नहीं चल रहे। तो इसका मतलब है आप राजी हैं? मतलब तो ये भी कि मेरे राजी होने का क्या मतलब, जब तक तुम्हारी माँ राजी हुई। वो कभी नहीं मानेंगे। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, कि जब तुम्हारी माँ राजी नहीं है तो मेरे राजी होने से क्या होगा। बस अब ये देखना है कि तुम अपनी माँ को कैसे राजी कर सकते हो। तो क्या कहा किसी ने कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना। डूब तो गया हम, जोया से कह देना कि वो जॉब करना चाहती है तो करे, जो मर्जी आए करे, मेरी बला से आइंदा मैं उसके किसी मामले में बिल्कुल नहीं बोलूंगा। क्या हुआ, जोया ने कुछ कहा है? उसे कहने की क्या जरूरत है, जुनेद है ना तुम लोगों के मुकदमे सॉल्व करने के लिए, तुम लोगों का वकील, उसके होते हुए तुम लोगों को क्या जरूरत है? जुनेद ने कहा है, क्या कहा है? वही जो तुमने उसको सिखाकर और पढ़ा के भेजा था, वही कहा है। मैंने जुनेद को कुछ नहीं कहा, उसने अपनी तरफ से बात की होगी। जुनेद मेरी औलाद है, अच्छी तरह जानता हूं मैं उसको, उसे अपने अलावा किसी की फिक्र नहीं होती। और जिस तरह वो मुझसे बात करके गया ना, बल्कि हुक्म सादर करके गया, नफरत है मुझे ऐसी औरतों से जो दूसरों के कंधे पर रख के बंदूक चलाती है। पहली वाली भी यही करती थी। सलीम साहब, आप मेरा यकीन कर ले, मैंने जुनेद से कुछ नहीं कहा, आपको गलत फहमी हो रही है। अच्छा ठीक है, फिर भी तुम कह देना जोया से वो जॉब करती है तो जरूर करे, लेकिन मैं तुम्हें बताए दे रहा हूं, अच्छे और बुरे की जिम्मेदारी जोया पर होगी,
या फिर तुम पर और जुनैद पर। सलीम साहब, ठीक है मैं खुद कह दूंगा उससे। मेरे बच्चे वैसे ही मुझसे दूर हैं और मैं नहीं चाहता कि जोया की वजह से मजीद दूरियां बढ़े। यार कहाँ से मिलती है? हाँ वैसे एक बात बता, विकी की फ्लाइट कब की? कल रात की। फौरी होगा, तालीम उसके पास है नहीं, हुनर उसको कोई आता नहीं है। शेखों के किस काम का है वो? नहीं भाई, बता रहा था उसके मामू ने बुलाया। उसके मामू दुबई की किसी बड़ी कंपनी में किसी अच्छे ओहदे पे, पूरी सेटिंग से गया है, वापस नहीं आने वाला। जो भी है भाड़ में जाए, हमारा तो ग्रुप टूट गया ना। एक साला गद्दार निकला और दूसरे को धर्म खींच के लेगा। देख शोएब, अब कुछ करना पड़ेगा। सीने से जैसे वो खींच के चले जाए।